हेलो एंड व्हाट्स अप वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोररफुकरे। और अभी थोड़ी सी आवाज़ आपको आ रही होगी, पर आज है 1 जनवरी 2021। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो अभी मैं लेजेंडरी तवी ब्रिज पे, पीछे हमारे बावली माता, तो बावली माता जी का नाम लेके आज हम लोग जा रहे हैं नागनी माता हिमाचल। तो अभी ज़्यादा देरी ना करते हुए, सुबह सुबह का वक्त है, जल्दी जल्दी रास्ता क्रॉस कर लेते हैं। तो इसी के साथ हो रही हमारी पीछे धन्नो आपको दिख रही हो, तो अभी हम लोग निकलते हैं। तो फाइनली अभी हमने लखनपुर का टोल कटा दिया हुआ है। अगर आप लोग आ रहे हो, यहाँ जम्मू विज़िट कर रहे हो, तो अगर आप उस साइड से आ रहे हो तो इधर कोरोना वगैरह का भी कुछ नहीं पूछा। तो मैंने ऐसे ही जनरली उनको पूछ लिया कि वो कह रहे थे कि जब हम आप वापस आओगे ना जम्मू में तब वो होंगे, तो जो भी प्रोसीजर होगा मुझे लग रहा है तब तक हमें रात हो जाएगी, तो मैं आपको उस टाइम प्रोसीजर बता दूंगा जो भी होगा वहाँ पे जाने के लिए। तो अभी तो हमने लखनपुर क्रॉस किया, अभी जाना है हिमाचल। अभी सफ़र बहुत ज़्यादा है, तो अभी हमारी धन्नो अच्छे से चल रही है, कोई तंग नहीं किया है। पीछे व्यू देखो कितना सही है यार, इसीलिए रुका यहाँ। आप चलें बैक टू कार और सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अभी टाइम लगभग 10 बज चुके हैं हमें यहीं, और टाइम लगने वाला है वैसे तो मज़ा आने वाला है यार। फर्स्ट को टूर पे निकलना चाहिए यार, मज़ा आता है। ख़ासकर आप कहीं माता की जगह पे अच्छा दिन शुरुआत करने जा रहे हो तो बहुत सही फील आती है। तो अभी कुछ वैसा ही है, और पीछे का अगर आप व्यू देखोगे अभी दिखाता हूँ, बड़ा सही है। ट्रैवल कर रहे हैं और अभी हम हिमाचल की मंडी एरिया में पहुंचे हैं। तो आपको कुछ भी यहाँ पे अगर लेना हो, फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, और फास्ट फूड की भी काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है, तो जब भी आप आना चाहो तो आराम से ट्रैवल कर सकते हो। तो फाइनली अभी हम लोग हिमाचल पालमपुर वाली साइड पहुंच चुके हैं। तो नागनी माता का जो मंदिर है बस थोड़ी देर में ही आने वाला है। तो आप चलते हैं, थोड़ी सी सुसु ब्रेक ली थी, अब चलते हैं वापस कार की तरफ। और मेरी कार, मैंने ब्रेक मारी और ऐसी मूवमेंट पे ब्रेक लगी, ये देखो टायर पत्थर के ऊपर जाके पूरी ब्रेक मारी खतरनाक। फाइनली अभी हम लोग, जैसे कि आपको ये दिख रहा हो, ये है जो बड़ी नागनी माता जिसको बोलते हैं, उनका दरबार है। तो आप अंदर जा सकते हो, ये मेन हाईवे पे भी है इसका रास्ता, मेन हाईवे से भी आप जा सकते हो। अगर आप लोग, जैसे जब रश नहीं होता, आप लोग कार लेके नीचे तक जा सकते हो, जैसा कि मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो ये ईजी रहता है अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग वगैरह है तो। रोड बना हुआ है क्योंकि मेन रोड से आपको आना पड़ता है पैदल चल के काफ़ी, तो इस रोड से जाओगे तो काफ़ी अच्छा है। Yo, he's asking for a little bit sign. तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जो नागनी माता जी का मंदिर है, हम बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। पार्क वगैरह कर दी है। अगर आप लोग आ रहे हो, आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है, आप लोग नीचे तक आ सकते हो, नीचे रोड बना हुआ है, नहीं तो हाईवे से आपको पैदल चल के आना पड़ेगा। अगर आप, वो भी मज़ेदार है, पर अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है वो नहीं आ सकता तो पूरी गाड़ी सीधे मंदिर के बाहर जाके लगती है। ये हिमाचल में जो नागनी माता जी का मंदिर है, बड़ी नागनी माता, छोटी नागनी माता मंदिर, इसके हम बाहर जाएँगे। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, लेट्स गो। भेजे ना कितनी चार दे सुखर के तेवर और चला दे। अच्छा कोई मुख के ओम श्री दे या कोई कथरी हुआ। अच्छा तो ठीक ही जैसा चला दे कथरी जेडी मनी। अच्छा है तो कितनी मोल तो हुंदी अपनी श्रद्धा नाल है। अच्छा महीने दे अंदर ठीक हो जाएगा है नहीं। आज जी तो पिंडी है वो पूरी ठीक हो जाता है। कोड कोई सांप का काटा हुआ जहरीली कोई भी चीज़ हो तो माता की शक्कर और पानी लगाने से ठीक हो जाता है। वो शाक दर्शन होते हैं। तो फाइनली ये रही माता रानी की जो शक्कर ये यूज़ करके जो उन्होंने कोड ही बोला ये एक तरह की बीमारी होती है। तो आप लोगों के लिए भी शक्कर जिसको बोलते हैं इसको खाना होता है। आपको बताऊं ये है नागनी माता जी को बड़ी नागनी माता जी का मंदिर जो हिमाचल में जो मेन माता रानी का मंदिर है। एक नीचे वाली साइड भी आता है वो यहाँ से माता को टच करके नीचे जाके स्थापना की हुई है। तो स्टोरी कुछ इस तरह की है कि एक कोड़ी एक बीमारी होती है जिसमें आपकी जो स्किन वगैरह होती है ना वो अजीब सी हो जाती है। मुझे एग्जैक्टली इंग्लिश नेम नहीं पता मैं आपको बता दूँगा। तो जिसको भी वो प्रॉब्लम हो या कोई भी जहर वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो ये जो माता रानी की जिसको शक्कर बोलते हैं भभूति बोलते हैं जनरली तो इसको और ये जो जल है जो नेचुरली यहाँ से बग रहा है अगर इसको यूज़ करे तो वो ठीक हो जाता है। और यहाँ पे बहुत मान्यता है माता रानी के जो दर्शन होते हैं यहाँ पे बहुत इजीली होते हैं वैसे मैक्सिमम लोगों को। हम पापियों को तो अभी तक हुए नहीं है वैसे तो अब हम चलते हैं नीचे पानी की तरफ थोड़ा सा जल पीते हैं। ठीक है लेट्स गो। यार मैं हर बार ये हाथ आगे क्यों करता हूँ मैंने करना है ऐसे। तो ये रहा जो माता रानी का जल है जो नेचुरली आता रहता है हमेशा। अभी तक तो ख़त्म हुआ नहीं है वैसे ग्राउंड रिसोर्सेज काफ़ी ख़त्म हो चुके हैं लगभग। तो ये रहे एक इस पॉइंट से आ रहा है जैसा कि आपको दिख रहा हो फ्लो। जैसे मैं रोकूं इसको अगर तो ऊपर से फ्लो आ रहा है। यहाँ हमारे इंडियन मंदिर्स की हमारी फेवरेट चीज़ कि ये जो पेड़ को भी पूजते हैं ना सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। इसी वजह से काफ़ी ट्रीज मंदिर के अंदर बचे हुए हैं। मेरा फेवरेट पार्ट है ये। सो गाइस ये दूसरा नागनी माता का मंदिर है। तो एट द मोमेंट हम लोग काठगढ़ पहुंच चुके हैं। ये रही काठगढ़ वाली जो मार्केट है। तो फाइनली जो काठगढ़ वाला मंदिर है वहां हम पहुंच चुके हैं। आज 1 जनवरी है तो पर जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही रश है जैसा कि आपको दिख रहा हो लाइन। तो अब पूरे दिन में माथा वगैरह टेक लिया अब रोटी वाला टाइम। और जैसा कि यहाँ के पेड़ तो अगर काठगढ़ आप आ रहे हो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा पार्क है नीचे। आज पहली बार मैंने इतना क्राउड देखा सच्ची बोलूँ तो। मुझे काफ़ी बार मैं 4-5 बार आ चुका हूँ मैंने कभी इतना क्राउड नहीं देखा है। आज ही इतना क्राउड दिख रहा है। तो फाइनली अभी हम लोग काठगढ़ से निकल चुके हैं वापस। तो जैसा कि आपको दिख रहा हो ये शानदार से व्यू खेतों के। तो हमारा सफ़र अब इसी के साथ हम लोगों का सफ़र हो गया है समाप्त, क्योंकि ऐसे भी अंधेरा हो रहा है, आप लोगों को आगे ब्लॉग में इतना दिख ही नहीं पाएगा। तो इसी के साथ अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख ली हुई है तो लाइक करना, शेयर करना, अगर बहुत अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर कोई सजेशन्स हो, कोई प्लेस हो जहाँ पर आप चाहते हो कि मुझे जाना चाहिए तो ज़रूर बताना। टिल देन बाय बाय। अगर आप लोग बाय रोड जम्मू एंड कश्मीर एंटर करना चाहते हो, लखनपुर टोल प्लाज़ा पे आप लोगों को सिर्फ एक, वहाँ पे आप पूछोगे तो आपको एक फ़ॉर्म भरना है, आपको कुछ और नहीं करना। आपने फ़ॉर्म भरना है, अपनी गाड़ी का नंबर वगैरह डाल के, कितने लोग हैं वो डालना है, क्यों पर्पज़ क्या है विज़िट का। अगर ट्रैवल है तो सिर्फ ट्रैवल डाल के आप लोगों ने वो फॉर्म दिखा के आपको जम्मू आने दिया जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई कोरोना टेस्ट नहीं दिखाना है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here.